पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे दलों के नेताओं के मुकाबले मायावती का हौसला बहुत बुलंद नजर आ रहा है। जाट बहुल पश्चिमी यूपी में समझा जा रहा था कि यहाँ बीएसपी और बीजेपी के बीच मुकाबला है, लेकिन मायावती ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के उतरे हुए चेहरे का हवाला देते हुए इशारा कर दिया कि यहाँ बीजेपी लड़ाई में पिछड़ गई है। अब मुसलमान वोटों के बंटवारे की चिंता मायावती को सता रही है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ किसी भी सूरत में रक्षाबंधन न मनाने का ऐलान कर दिया है। यदि हमारे लोगों की लापरवाही की वजह से, गुमराह होने की वजह से हमारे लोग थोड़ा चूक कर गए और हम किनारे पर आकर रह गए और हमको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली, तो भी बीएसपी विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी, लेकिन बीजेपी की मदद से सरकार बनाना कतई भी पसंद नहीं करेगी। मायावती ने कहा कि बीएसपी बीजेपी गठबंधन की अफवाह बीजेपी ने उड़ाई है। दरअसल बीजेपी ने भी मायावती पर ज्यादा हमले ना कर इस अफवाह को हवा तो दी ही है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी अखिलेश की मौजूदगी में मायावती की तारीफ की थी। इस तारीफ से बीएसपी को नुकसान से बचाने के लिए मायावती ने सपा कांग्रेस गठबंधन से मिलकर सरकार बनाने की संभावना से भी साफ इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने 1995 में मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया हो तो उस पार्टी से तो सवाल ही पैदा नहीं है, तो उससे हम कभी उसके साथ मिलकर भी जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तो हालत वैसे ही खराब है, लिहाजा मायावती सपा कांग्रेस को निशाने पर लिए हुए हैं तो बीजेपी और मोदी पर भी तीखे बाण छोड़ रही हैं। दरअसल मायावती अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी सांपनाथ और नागनाथ वाली रणनीति पर लौट आई हैं। विरोधी भले ही इसे मायावती की कमजोरी समझें, लेकिन हकीकत ये है कि वो त्रिशंकु विधानसभा बनने से रोकने में जुट गई हैं। इसलिए मायावती दलित मुसलमान की सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही हैं। दलित और मुसलमान मिलकर यूपी की 20 करोड़ की जनसंख्या का 40% हिस्सा हैं। और असलियत ये भी है कि यूपी के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पसमंदा मुसलमानों का है। यूपी की 18% आबादी मुसलमानों की है, जिसमें 85% पसमंदा जाति के हैं। बीजेपी से दूरी रखने का संदेश देकर मायावती इस बड़े वोट बैंक को रोकना चाहती है। वो जानती हैं कि ऊंची जाति वाले मुसलमान सपा के साथ चले भी जाएं तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी 97 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर सपा कांग्रेस के लिए मुश्किल तो खड़ी कर ही दी है। साथ ही सपा ने कांग्रेस को दी गई 105 सीटों में से ज्यादातर वो सीटें हैं जहां सपा कमजोर है और बीएसपी मजबूत। ऐसे में कांग्रेस भी ब्राह्मण दलित मुसलमान समीकरण के सहारे है, लिहाजा कांग्रेस का विरोध करना मायावती के लिए लाजमी है। साथ ही जहां विरोधी दल एन चुनाव के मौके तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाए, तो वही मायावती ने साल भर पहले ही पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतार दिए थे। मायावती ने पार्क और मूर्तियां बनाने के लिए जनता से एक बार नहीं कई बार माफी भी मांगी है। सचिन शर्मा, APN।